हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब भी हमारी तरह एकदम मजे में होंगे और दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, लेकिन ये इतना अनोखा है कि इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए मोटी मोटा बता देते हैं कि दरअसल इसके बारे में आप क्या क्या जानने वाले हैं। सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसा भी ग्रह है जो पूरी तरह गैस का बना हुआ है, लेकिन इस ग्रह पर जब बारिश होती है तो उसमें पानी नहीं बरसता बल्कि गले हुए लोहे बरसते हैं, यानी कि लोहे की बारिश होती है। और इससे भी ज़्यादा रोचक बात यह है कि वैज्ञानिकों को इसी ग्रह पर अब तक का खोजा गया सबसे हेवीएस्ट मेटल मिला है, यानी कि तत्व मिला है, जिसको हम बैरियम के नाम से जानते हैं। दरअसल ये एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में अब तक का सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इन दो ग्रहों के जो नाम है वो है वेस्प 76b, वेस्प 121b। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है और हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है। इनके बारे में जो जानकारी मिली वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के टेलीस्कोप से मिली और इसको अल्ट्रा हॉट जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो लगभग जुपिटर जैसा ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, क्योंकि यह जो प्लैनेट है अपने सन के काफ़ी करीब रहता है और अपने जो सन का चक्कर है मात्र 1 से 2 दिन में लगा लेता है। अब आप सोचिए कि अपने सन के कितनी करीब से ये घूमता है और कितनी जल्दी घूमता है। यही कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जब मेटल बहुत ज़्यादा है, जब क्योंकि यहाँ पर बारिश भी आयरन के फॉर्म में होती है, तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रेविटी भी बहुत होगी। इसी वजह से इस पर ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ पर आयरन की बारिश होती है। अब आपको बता दें कि इस ग्रह पर जो एलिमेंट खोजा गया है, यानी कि बेरियम, यह आयरन से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा भारी होता है, और वैज्ञानिकों को अब तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा ग्रह जो कि पूरी तरह से गैस का बना हुआ है, आखिर इस ग्रह पर इस तरह के एलिमेंट, यानी खास तौर पर एक्सोप्लैनेट पर कहाँ से आ सकते हैं। अगर आपको बेरियम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि आपने बेरियम कहाँ देखा है। दरअसल हमारे आसपास अब दिवाली का माहौल शुरू भी हो गया है और आसमान में फटने वाले रॉकेट आपने देखे ही होंगे। इस रॉकेट में जब फटते हैं तो अलग अलग तरह के प्रकाश निकलते हैं, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी नीला। लेकिन जो हरे रंग का प्रकाश होता है, चमकीला, वह इसी बेरियम की एलिमेंट की वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, यानी मेटल्स, साल्ट, वैसा ही कलर भी फायरवर्क्स देते हैं। यानी बेरियम हमारे पटाखों को, यानी फायरवर्क्स को हरा रंग प्रदान करता है। लेकिन ये बात पृथ्वी पर तो बिल्कुल भी कॉमन है, लेकिन जब बात एक्सोप्लैनेट की हो, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो और एकदम गैस का बना हुआ हो, तब बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतना हेवी मेटल यहाँ पर आया कैसे और क्या कर रहा है। क्योंकि वो पूरा प्लैनेट ही जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है और हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, और ऐसे में इतना हेवी मेटल वहाँ पर कैसे बन रहा है, जनरेट कैसे हो रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में भी और बाहर भी जिन पर ये एलिमेंट नहीं पाए जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्यों है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि वैज्ञानिकों के भी समझ में परे है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। कुछ लोगों का तो मानना है कि ये एक एक्सीडेंटली खोजा गया एलिमेंट है जो कि उम्मीद से परे था, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के एलिमेंट जो कि हमारे पृथ्वी पर कॉमनली पाए जाते हैं, किसी एक्सोप्लैनेट पर कैसे पाए जा सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वेस्प 76b, वेस्प 121 के बारे में ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी।